लेकिन घोर संघर्ष के बाद आखिरकार बराबरी का जमाना तो आएगा। धीरे धीरे सही, लेकिन औरतों को बराबरी के मौके तो मिल रहे हैं, लेकिन हर काम औरत के बस का हो ये जरूरी तो नहीं। एक वक्त था जब ये कहकर समाज औरतों को पढ़ाई का लायक नहीं समझता था, आज भी ज्यादातर लोग यही समझते हैं। और बैठे हुए आप किस बराबरी की बात कर रहे हैं सर? आपको क्या लगता है कि कुछ औरतों ने लिख कर क्या लिया उनकी और मर्दों की जिंदगी एक बराबर है? क्या जानते क्या है आपके औरत होने के बारे में? हम कदम पे ऐसे सवाल करते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पहलू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे, ज्यादा हंस तो नहीं रहे, लोग गलत मतलब निकाल लेंगे, ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रहे, लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कहकर प्रमोशन रुकवा देंगे, काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि भले ही घर में काम दोनों करो, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी, आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे, औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा, वो जो तब से घूम रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहाँ चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट रिजर्व है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब सर तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करें। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वो ही बहुत है। Thank you.